तीन वैज्ञानिकों को इस साल के मेडिकल फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हार्टन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नोबेल कमेटी के प्रमुख थॉमस फ्लेमैन ने स्कॉट होम में इसकी घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गणना के हिसाब से दुनिया में 70 मिलियन हेपेटाइटिस के केस हैं और हर साल इस बीमारी की वजह से दुनिया में 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस रोग को क्रॉनिक बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है और ये लीवर से जुड़ी बीमारियों और कैंसर का प्रमुख कारण है। बता दें कि अवार्ड नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में शांति के लिए दिया गया था। चिकित्सा क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार समझे जाने वाले नोबेल प्राइज में 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। अमेरिकी डॉलर में ये राशि 11,18,000 रुपए है। ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। उन्होंने 124 साल पहले एक फंड का निर्माण किया था। इसी फंड से दुनिया के अहम खोजों के लिए ये पुरस्कार दी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।